टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। हमने प्राइजेस में जबरदस्त वॉलिटिलिटी देखी है और फंडामेंटल में भी काफी अच्छे चेंजेस होते हुए देखे हैं, जिसके चलते सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हमने पिछले हफ्ते एक गिरावट जरूर देखी थी, बट लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए दिखाई दी और प्राइजेस ने 6445 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है, क्रॉप साइज कम है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। नो डाउट एज ऑफ नाउ डिमांड में इतनी ज्यादा बढ़त नहीं है, बट उम्मीद जताई जा रही है कि ऑर्निकॉन के कंसर्न के बावजूद हमने कहीं पे भी मेजर लॉकडाउन होते हुए नहीं देखा है। नो डाउट चाइना में कुछ कंसर्न ज्यादा है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। हम जैसे कि जानते हैं चाइना हमारा सबसे बड़ा बायर होता है कैस्टर ऑयल का, और इंडस्ट्रियल डिमांड में भी कैस्टर काफी काम आता है। चाइना मार्केट हॉलीडे होने की वजह से कुछ नई बाइंग नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते हमें लग रहा था कि मार्केट दायरे में रहेगा, बट क्रॉप साइज कम है, डिले भी है, जिसके चलते कैस्टर को अच्छा सपोर्ट मिला है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 6300 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 6600 के लिए अगले हफ्ते के लिए लिया जा सकता है। अगली कमोडिटी है मेंथा ऑयल, जहाँ पे हमने 3% की गिरावट आती हुई देखी है। फिजिकल मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट में गिरावट का रुख है, साथ में इंपोर्ट्स के फिगर्स भी काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि डिस्पाइट के नेचुरल मेंथा के भाव कम होने के बावजूद भी हमने देखा है कि कंटिन्यू सिंथेटिक मेंथा का इंपोर्ट हो रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है। टैक्सेशन को लेकर भी हाजिर मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसकी वजह से भाव उठ नहीं पा रहे हैं। पिछले एक साल में हमने प्राइसेस में 1.5% की गिरावट आती हुई देखी है और लगभग 900 से लेकर 1100 के बीच में ही मार्केट को ट्रेड करते हुए देखे हैं। टाइमिंग कोई क्लियर सिग्नल नहीं होने की वजह से कोई भी बड़ी बाइंग से बचे, रेंज 930 से लेकर 990 का रेंज रहेगा। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 1.25% की तेजी के साथ कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक को ट्रेड होते हुए देखा है। इंटरनेशनल में 120 सेंट के ऊपर जब तक मार्केट होल्ड है, हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट में भी सपोर्ट मिलेगा। बजट में अटकलें लगाई जा रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी पे कुछ करेक्शन आ सकते हैं, जिसके चलते प्राइजेस में थोड़ा सा एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली भी ओवरबॉट था, जिसकी वजह से प्रेशर लगभग तय था, तो ऑलमोस्ट हमने वो प्रेशर आते हुए देख चुके हैं। अब अगर हम प्राइजेस की बात करें तो 35800 के ऊपर काउंटर कंटिन्यू स्ट्रांग रहेगा, जो 37200 का लेवल तोड़कर 38000 तक का लेवल कॉटन M6 दिखा सकता है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के खामे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा, जो 3000 से 3400 की रेंज में रहने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री से डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा, बट अगले हफ्ते कॉटन सीड ऑयल के एक दायरे में रहेगा। कुछ अटकलें ये लगाई जा रही है कि इंपोर्ट हो सकता है, बट इंटरनेशनल की जो सप्लाई है वो काफी कम है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है वो काफी हाई होने की वजह से ऐसे कुछ ऐसे लक्षण नहीं है कि हम कॉटन सीड ऑयल केक का इंपोर्ट देखें। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने लगभग 1.25% से 2% की तेजी देखी है। मार्केट में अराइवल कम होने की वजह से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल लेवल्स अच्छे होने की वजह से बाइंग दिखाई देती जरूर है, बट लॉन्ग टर्म बाइंग से बचे। रेंज 6000 से लेकर 6600 का बड़ा रेंज गवार सीड का रहेगा। वहीं 11500 से 12400 का रेंज गवार गम का रहेगा। लॉन्ग टर्म की बाइंग से बच के चलिए, टेक्निकली ट्रेड अच्छे बनते रहेंगे। मसालों के अंदर हमने हल्दी के अंदर ठहराव आते हुए देखा, बट जिस ढंग से क्रॉप डैमेजेस की रिपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं हल्दी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली एक पुलबैक 9700 का लेवल मिले तो फिर से लेके चलिए 10800 के टारगेट के लिए। जीरे में 6% की जबरदस्त तेजी थी, ये कंटिन्यू रहेगी। टेक्निकली एक ओवरबॉट है जो 18500 का लेवल पुलबैक दिखा सकता है, बट लॉन्ग टर्म में या मार्च तक की बात करें तो 21-21.5 हजार का लेवल हम जीरे में कंटिन्यू देख पाएंगे। लॉन्ग टर्म व्यू जीरा और धनिया दोनों में जबरदस्त तेजी का ही है। धनिया में भी हमने कंसोलिडेशन देखा है, 9500-9400 तक का एक पुलबैक होना बहुत जरूरी है आगे की तेजी के लिए, तो जीरे और धनिया में एक पुलबैक का वेट करें। हाथ में माल होना बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म व्यू जीरा धनिया में जबरदस्त तेजी का है, जिसमें जीरा हम 25000 तक का लेवल
और धनिया 18,000 तक का भी लेवल हम मार्च के बियॉन्ड देख रहे हैं। धन्यवाद। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।